बाप रे, आजकल तो पार्किंग लॉट में भी सेफ्टी नहीं है। हाँ पता नहीं आंटी, अगर वो लड़का वक्त पे नहीं आता तो क्या हो जाता। वैसे वो दिखने में कैसा था? गुड लुकिंग, हैंडसम। हैंडसम, फेयर एंड लवली लगा था होगा। और एक बात कहूँ, वो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट भी है। आर्किटेक्ट? ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? तेरी बात कर रहे हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ? अबे मेरी बात कर रहे हैं। वैसे राज भी आर्किटेक्ट था, पर निकला क्या, चर्सी। या आंटी प्लीज। व्हाट प्लीज? ये घंटी ने जिंदगी में आखिरी बार अकल की बात की है ना घंटी? घूमते फिरते लफंगों का कोई भरोसा नहीं। वो कोई लफंगा नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने आज उसे कॉफी पे बुलाया है। यहाँ? नहीं नहीं ठीक है, उसी बहाने उसकी परख भी हो जाएगी। जयंती लाल को अच्छे बुरे की सही पहचान है। अगर जयंती लाल ने अप्रूव किया तो समझो मेरा भी अप्रूवल। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, नहीं समझा। अभी अपने को आंटी को पटाना पड़ेगा। आंटी, ये टारगेट चेंज कर दिया क्या भाई? कितनों को पटाओगे? देख, नताशा को पटाने के लिए अपने को आंटी को पटाना पड़ेगा, और आंटी को पटाने के लिए जयंती लाल को पटाना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू। किसका बर्थडे? अरे आप ही का बर्थडे है। मेरा बर्थडे? मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों, आप पैदा नहीं हुए थे? पैदा हुआ था ना, लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी पैदा हुआ था, आप भी पैदा हो, इस हिसाब से तो हम पैदाइशी भाई भाई हुए ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। फूल है ना, पेड़ पे लगा दे और निकलो यहाँ से। चलो। एक बार मैं आपका जीजा बन गया ना, उसके बाद मैं रोज एक एक गिफ्ट लाऊंगा साले। मेरी कोई दीदी है ही नहीं लाले। दो दो दीदियाँ छुपाता है अंदर, झूठ बोलता है जयंती लाल। किधर है जयंती लाल, कहाँ है? लो आप अपना नाम भी भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी। रॉकी तो मैं तुम्हें मंकी, टंकी या हॉकी कह के बोलूं तो चलेगा? जयंती लाल। जयंती लाल, मेरी जुबान बार लटक रही है। नहीं है? पीछे पूछ मटक रही है। मैंने तुम पे कभी भी भौंका? नहीं। तुमने मुझे कभी भी खंभे को पानी पिलाते हुए देखा? एक मिनट, अभी तक तो नहीं। तो फिर मैं जयंती लाल कैसे हुआ? क्योंकि आपका नाम जयंती लाल है। ओ, जयंती लाल को मिलने की बहुत खुजली है ना तुम्हें। अभी बुलाता हूँ, साला ऐसा काटेगा ना। जयंती लाल, जयंती लाल, बुला रहे हैं आप? जयंती लाल, मेरे कुत्ते को। जयंती लाल। तो आपका नाम क्या है? टॉमी। टॉमी मेरा नाम है। अरे बाप रे, कौन है तू? हाँ, और क्या काम है, बार बार क्यों इधर आता है? तू क्यों रे बार बार मुझे मिलता है? क्योंकि ये घर मेरा है, समझा? चल जा, निकल। ये घर का होने वाला मालिक मैं हूँ, तू निकल। ए, मालिक तो मैं हूँ, समझा? चल जा, निकल। ए, तेरी बहन नताशा ने मेरे को बुलाया, समझे? तू निकल। हाँ, राखी बांधने बुलाया होगा, वो हर दूसरे आदमी को अपना भाई बनाती है। मैं तो पहला हूँ, दूसरा तू है, तू निकल। चल यारा, दूसरे तीसरे निकल, यू टर्न ले। चल, तेरा तो दूसरा हाथ मैं यू टर्न करता हूँ। ऐसा कर ले यार, कितना मारेगा मेरे को। मैं नहीं। टॉमी, हाय रॉकी। हाय। मैंने आपको बताया था ना, यही वो रॉकी है। बचपन से ही एनिमल्स को मैं बड़े प्यार से कंट्रोल कर लेता था, बल्कि जिस शहर में मैं रहता था वहां मुझे लोग टीसी कह के बुलाते थे। टिकट चेकर? ना 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 ना, ट्रेनर एंड कंट्रोलर। वाओ, दैट्स ग्रेट। By the way, ये स्वीटी मेरी आंटी। हाँ, आपकी आंटी? मैं समझा आपकी छोटी बहन है। थैंक यू। वैसे काफी अच्छा मेंटेन किया आपने। थैंक यू। वैसे आपकी शादी हुई है? जी नहीं, कुआ रहा हूं। ऐसी लड़की आज तक नजर नहीं आई जिसकी पसंद
मुझसे मिलती हो। लो, इनकी भी शादी नहीं हुई है, टूट पड़ो। टॉमी, आज प्रोग्राम में जाना है ना, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। इसे तैयार होने में थोड़ी देर लगती है। आप लोग कहीं जा रहे हैं तो मैं चलूं? अभी नहीं, शाम को। आज हम नताशा को लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च कर रहे हैं? कहाँ जा रही है वो? नहीं नहीं, मेरा मतलब था आज नताशा के म्यूजिक लॉन्च की पार्टी है, आप भी आइए ना। हाँ, म्यूजिक? आप सिंगर हैं? Yes. I love singers. आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? No. No tea coffee for me. I'm too health conscious. Really? नताशा को भी चाय कॉफी पसंद नहीं है? हाँ, that's very nice. What a coincidence. Very nice. अच्छा तो लेकिन मैं जूस पीऊंगा एक कप। अब भी लाई? आपकी फैमिली में और कौन कौन है? करेला। करेला? आप उनको कहिए कि मेरे जूस में ना करेला भी डाल दे। ओके। यू नो, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। जयंती लाल, हरामखोर, उठ। जयंती, अदरक है? हाँ है। वो भी डाल दो जूस में। जयंती लाल, उठ। पालक है? हाँ है। वो भी डाल दो। जयंती लाल, आपके पास लाल मिर्च है? हाँ है। वो भी डाल दीजिए। बहुत ही स्पेशल किस्म का जूस लगता है ना। ओके गर्ल्स, आई एम रेडी। और जूस भी रेडी है। अरे ये क्या, आपने जयंती लाल को तो कंबल में लपेट लिया। जी हाँ, वो इसे ठंड लग रही थी तो मैंने बिना आप लोगों से पूछे सोफे का कपड़ा लिया और इसे लपेट दिया। I hope you all don't mind it. How sweet. So nice of you all. ये लो तुम्हारा जूस। जूस? इसको जूस नहीं, जूस मैं पीऊंगा। ये मेरे लिए थोड़ी है जूस, ये तो टॉमी जी के लिए है। इनके हाथों में जान आ जाएगी, ये पिलाइए आप इन्हें। नताशा कितनी अच्छी लग रही है ना उसमें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई एम सो ग्लैड। आपने सुना तो होगा उसका गाना, ना अच्छा गाना गाया है। एक्सक्यूज मी, कांग्रेचुलेशंस। आज आपका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, आपके एल्बम का नाम है सपनों की रानी। क्या बता सकती हैं आपके सपनों का राजकुमार कौन है? फिलहाल तो मैं सपने में हूँ, मुझे सपनों में ही रहने दीजिए, जब आँख खुलेगी तब बताऊंगी। वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट आंसर। रॉकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अ ब्यूटीफुल रोज फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू नताशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। नताशा, संजू। ये लंगड़ा क्यों आया यार? नताशा, संजू, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। थैंक यू। मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ऑफ कोर्स। संभाल के हाँ। इनसे मिलो, ये रॉकी हीर नंदानी। हाय। इंडिया के नंबर वन आर्किटेक्ट। तो तुम भी आर्किटेक्ट हो? तुम भी आर्किटेक्ट, मतलब यहाँ और कौन आर्किटेक्ट है? एक्चुअली संजू भी आर्किटेक्ट है। अच्छा, आप भी आर्किटेक्ट है? नाइस, वेरी नाइस। प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की? वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड? या। और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाए आपने? मैंने ताजमहल। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया? ताजमहल होटल मुंबई मैंने नहीं बनाया, उसके बाजू में जो वो सब पूरी कांच वाली बिल्डिंग है ना। तो तुम्हारा कांच का भी है क्या धंधा? कांच का नहीं। एक्सक्यूज मी, वो कांच का बिल्डिंग ओबरॉय बिल्डर्स ने बनाया। बिल्कुल सही फरमाया, ओबरॉय बिल्डर ने बनाया, लेकिन जो डिजाइन है वो मेरा है।
ये तो दोस्ती यारी में मैंने एक शर्त रखी थी कि भाई मेरा नाम मत लेना। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस फेमस। अब और आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है बोलो। लाल किला देखा? लाल किला, व्हाट नॉनसेंस। लाल किला तूने बनाया तो कुतुब मीनार मैंने बनाया, बोल, बोल। अरे आप तो सूली पे चढ़ाते जा रहे भैया, लाल किला मैंने नहीं बनाया। लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान। ओ तो तुम्हारे गंजी बनियान का भी है? नहीं नहीं, उसका जो मालिक है उसकी फैक्ट्री मैंने बनाई है, मैंने मैंने मैंने। और क्या क्या बनाया आपने फेमस? और मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान, दीवारों पे प्लास्टर। और अब सब मैं ही बोलते जाऊंगा, कोई ये जनाब से भी पूछे कि इन्होंने क्या क्या गुल किला, आप बताइए जी। मुंबई में जो पृथ्वी अपार्टमेंट है वो मैंने। ओफो, ऐसा ही होता है, जब सेम फील्ड के दो प्रोफेशनल्स मिलते तब ऐसे ही बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कम संजू। भाई हम लोग तो 6 बजे आने वाले थे, इतना जल्दी काको आ गए? अबे एडवांस में उन दोनों की बातें सुनेंगे तो पता चलेगा कि लड़की के दिल में क्या है। हाँ, तो लाइए डंडा निकालिए। मैं उसकी जरूरत नहीं है, उसके ब्रेसलेट में मैंने माइक्रोफोन फिट कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं भाई, तुम्हें क्या लगता है रॉकी आज कोई खास वजह से यहाँ आ रहा है? क्या पता। ए भाई, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता। आओ। अरे लेकिन मुझे तो पता है। ए भाई आंटी अपनी साड़ी, लेकिन ऐसा आंटी का तो मैं मंदिर बनवाऊंगा। मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं, अब ये क्या बोलेगा अंदर जाके? नताशा, मैं तुमको एक खास बात बताने आया हूँ। खास बात? क्या खास बात? नताशा तुम रॉकी से दूर रहना। क्या है? क्यों, क्या हुआ? अरे नताशा वो फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ आर्किटेक्ट तो दूर की बात है, नताशा वो एक मामूली सा कड़िया भी नहीं है। ये कमीना टांग अड़ा रहा है। लेकिन भाई वो तो लंगड़ा है ना? हाँ लंगड़ा है वो। भाई मुझे क्यों मारो? और किसको मारूं नहीं तो? मैंने नेट पे सारे आर्किटेक्चुरल इंस्टीट्यूट्स के नाम चेक कर लिए, रॉकी हीरानंदानी का नामो निशान नहीं है उसमें। भाई 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 क्या कर भाई? लेकिन उसने मुझसे ऐसे झूठ क्यों कहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैंने वेबसाइट का नाम अपनी डायरी में लिखा है, तुम चेक कर सकती हो। नहीं नहीं, मुझे अपाहिज होने का महसूस मत होने दो नताशा। नताशा नहीं, उसके घर का पता भी ढूंढ निकाला, 2-4 दिन में उसकी सारी पोल खोल दूंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा भाई, भाई। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। लेकिन वो तो शाम को 6 बजे आ रहा है ना? मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। अबे वो आ रही है, भाग। अबे गाड़ी लेके भाग, जल्दी कर, फटाफट भगा। भाई भाई वो आ गई। क्यों बताया मेरी बात को? अरे क्यों जानना चाहता मेरे घर को? क्या दुश्मनी निकाल रहा तू? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों बताया मेरी माँ को तूने? क्या कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कैप्टन हूँ, क्यों बताया? अरे तू जानता नहीं है कि मेरी माँ सख्त नफरत करती है पानी और समुद्र से। क्यों नफरत करती है भाई? क्यों नफरत करती है मैं बताता हूँ। क्या बोलूं भगवान, क्योंकि मेरे पिताजी सम्राट जहाज में कैप्टन थे और मेरा बड़ा भाई वाइस कैप्टन। जब सम्राट जहाज ने समुन्द्र में जल समाधि ली तब दोनों का देहांत हो गया।
तब से मेरी माँ समुंदर और पानी से सख्त नफरत करती है। बचपन में मुझे नहाने तक नहीं देती थी, पड़ोसियों के घर में जाके छुप छुप के नहाया करता था मैं। लेकिन अफसोस, मेरे खून के रगों में मेरे पिताजी दौड़ रहे थे और एक दिन समुंदर ने मुझे बुला ही लिया। लेकिन तुम क्यों बताया मेरी माँ को कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कप्तान हूँ? क्यों मेरे भाई, क्यों बताया तूने? शांत हो जाओ भाई। कर दिया ना अनाथ मुझे तूने। अरे कौन करेगा इस बच्चे से प्यार, अब तू बता कौन करेगा इस बच्चे से प्यार? कहाँ से पाऊंगा माँ का प्यार अब, तू बता। नताशा, तुम कब आई नताशा? बबलू कम से कम बता तो देता कि नताशा आई हुई है। तू भी ना पागल है नताशा। मैं ये कहना चाहता था कि आर्किटेक्ट, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। रॉकी, तुम आज के बाद बिल्कुल अकेले नहीं हो। तुम कितनी अच्छी हो। बहुत अच्छी हो तुम। मुझे माँ का प्यार भी तुम्हें से मिलेगा।